अभी हम मुलाकात कर रहे हैं बिमला सजवान जी से। बिमला सजवान जी लगभग 70 वर्षीय हैं और गाय की सेवा अभी भी कर रही हैं, और आप हम आपसे गाय के बारे में और गाय से जुड़ी हुई जो दिनचर्या है, गाय की सेवा से जुड़ी हुई जो दिनचर्या है, उसके बारे में हम आपसे जानकारियां लेंगे। तो नमस्कार माता जी। नमस्ते। आप हमें बताइएगा कि कितना अच्छा लगता है एक गाय को पालना? अच्छा लगता है, हमारी मतलब यह है कि ऐसा लगता है कि सब कुछ यही है। हाँ। है? और हमें दूध भी मिलता है। जी जी। और जो जादी और वो तो पैसा भी मिलता है। हाँ। और हमें साईं के साथ शांति है। हाँ। आप कब से कर रहे हैं गाय पालन? शुरू से जिंदगी बीत गई। अच्छा, तो आपका जो सुबह से लेकर शाम तक की जो दिनचर्या होती है वो क्या होती है एक पशुपालन में? बस समय निकलता रहता है, ये पता नहीं होता हमें कि मतलब दिमाग में कोई टेंशन नहीं आती। हाँ। मतलब लगे रहते हैं इनके पीछे। गाय के साथ रहकर कोई टेंशन नहीं आती? ना। अच्छा, कितने बजे सुबह उठते हैं आप? कितने बजे आपका? 5 बजे उठते हैं। अच्छा, तो सुबह 5 बजे उठ के सबसे पहला काम क्या होता है आपका इनके साथ? पहला काम हम गाय के पास आते हैं जी, और उसकी साफ सफाई करते हैं जी, उसके बाद चारा गिरते हैं उसमें जी, फिर दूध निकालते हैं, यही काम है। और जैसे गाय का एक, जैसे हम मनुष्य हैं, हमारा एक समय होता है, सुबह हम लोग इतने जल्दी उठते हैं, कुछ लोग लेट उठते हैं, है ना, और कुछ लोग लेट सोते हैं। ऐसा है कि गाय के साथ हमें 5 बजे उठना ही पड़ता है। अच्छा, गाय कितने बजे उठ जाती होगी? गाय तो ऐसे ही है, जब हम उठते हैं तो वो भी उठ जाती है। हम जब थोड़ी कभी तबीयत खराब है, लेट उठते हैं, तो वो अपने समय में उठ जाती है। समय लग जाता है कि गाय उठी, हमें उठना चाहिए। अच्छा, ऐसा कभी आपको ऐसा लगता है कि मैंने गाय पालकर मुझे मैं बंदिशों में बन गई, ऐसा तो नहीं लगा कभी? और ऐसा लगा तो फिर बंदिशों में बंद लगता तो है कि हम कहीं इधर उधर नहीं जा सकते गाय छोड़कर। हाँ। है ना। हाँ। पर क्या करना, लेकिन गाय को घास देना ही देना। हाँ। है ना, गाय के साथ बंदिशें नहीं है, गाय के साथ तो क्या है, आनंद है। हाँ, आनंद तो है ना, हम अपने कारोबार में लग रखे बस। बहुत अच्छी बात है। तो जो जैसे घास वगैरह आप खुद लाते हैं काटकर? खुद लाते हैं। तो ये जो आप घास ही है साथ में ना। हाँ। कर लेते हैं घास, कोई दिक्कत नहीं होती? ना, दिक्कत नहीं होती। अच्छा, तो मुझे कुछ चीजें बताइए। हाँ। आप तो गाय के साथ। हाँ। गाय को पालने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं? एक तो हमारी खेती के लिए गोबर होता है। बहुत अच्छी बात है जी। और दूसरा यह कि हमें दूध मिलता है जी, और थोड़ी पैसा भी देख लेते, जो बचत होता है जी। तो शुद्ध दूध मिलता है एक तो? हाँ, शुद्ध दूध मिलता है, दही मिलती है, घी मिलता है, सभी कुछ मिलता है। और गाय के साथ जो आप गाय के पास आते हैं तो कुछ शांति भी मिलती है? शांति मिलती है, सुकून भी मिलता है। मतलब यह कि इनके साथ आकर टेंशन नहीं होती दिमाग में। गाय के साथ आकर? हाँ, बस उन्हीं पर मैं भैया जो फालतू रहोगे तो दिमाग में टेंशन भी होगी। बिल्कुल। और इनके साथ लगे हैं कि घास देना, पानी देना, इन्हें ये करना वो करना। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। ये कोई बात नहीं, ये आपने इसमें पिट में डाल दिया इसके, ये आप हमें बता रहे हैं कि गोबर गैस कैसे बनती है? थोड़ा एक लीन मिक्सचर बनाते हैं। हाँ हाँ, अब अमित मुझे बताना आप हैं। हाथ से मिलाते हैं? अच्छा। हाँ। अच्छा, अब ये सब कहाँ जा रहा है? ये सीधा ये पाइप से इसमें कनेक्ट है। अच्छा, पाइप आई यहाँ लगे हुए जी जी जी, तो वो वहाँ जा रहा है, वो नीचे। अच्छा, अब इसमें जाएगा ये? देखो अंकल का ऊपर उठा होगा वो, जो ऐसा ना वो निकल जाता है ऊपर। जी जी जी,
से गैस करती हूं वो बाहर निकल जाएगा। हाँ हाँ, ये इसके पिट में चला गया है। हाँ, उस पाइप के द्वारा नीचे जाता है। अभी आप यहाँ से डाल रहे हैं इसको, ये लीन मिक्सचर बना देते हैं, इससे जाने फ्लो में भी थोड़ा इजी रहता है। हाँ हाँ, और इसकी प्रोसेस भी काफी जल्दी हो जाती है। ये इस पाइप के जरिए जुड़ा हुआ, ये पाइप है। हाँ जी, यहाँ पे से इसके अंडरग्राउंड पाइप है जो सीधे इसके अंदर जाता है। ये फ्लोटिंग टाइप है, ये इसमें फ्लोट करता रहता है, ये इसमें फ्लोट करेगा। और जैसे जैसे इसमें गैस बनती रहेगी उतना उतना ऊपर ऊपर उठता रहेगा। अभी इसमें गैस है? हाँ जी, अभी ये गैस है। अच्छा, अमित मुझे बताइएगा कि जैसे ये हर महीने आपको गैस देता है? हर दिन देता है। हर दिन गैस देता है? हर महीने नहीं, जिस दिन आप गोबर डालेंगे उस दिन आपको गैस मिलेगी इसकी। अच्छा, और किस किस महीने दिक्कत होती है इसमें? सर्दियों में थोड़ी दिक्कत करता है, अब दिसंबर और जनवरी में बहुत कम रहता है, ये नीचे ही रहता है लगभग। हाँ हाँ, पर फिर भी मतलब गैस तो आती ही रहती है, थोड़ी बहुत तो बनती रहती है ना? कम रहती है, कम रहती है। और जैसे जून जुलाई के महीने में गर्मियों में तो ये इतना ऊपर ऐसा रहता है कि अच्छा मतलब बाहर से भी गैस निकलती रहती है, बाहर से भी गैस, गैस ही गैस हो जाती है। ये बायोगैस है? हाँ जी, ये बायोगैस है। और ये पाइप के जरिए आपने इसको रसोई तक पहुंचाया? जी, पूरा कनेक्ट है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें ना कोई स्मेल आती है इसके गैस में। अच्छा बहन जी, मुझे अच्छा अच्छा ये बताइएगा कि जैसे आप इसी गैस को इस्तेमाल करते हैं भोजन बनाने में? हाँ जी। तो साल भर में दो महीने अगर हम उसको माइनस कर देते हैं तो 10 महीने आपको इसी से गैस मिलती है भोजन पकाने के लिए। हाँ जी। तो कुछ फायदा होता है? बहुत फायदा है, 10 महीने की गैस बच गई। गैस तो बिल्कुल यूज ही नहीं होती है, मतलब मान लो 10 महीने तो। आप रखते हैं सिलेंडर वो गैस का? सिलेंडर तो रखते हैं। हाँ, इमरजेंसी के लिए अगर जैसे कभी कभार अगर इसमें पाइप खुल जाता है जी तो गैस बाहर निकल जाती है। हाँ, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, ये पाइप का? हाँ जी। अच्छा, जब मेहमान ज्यादा हो जाते तो फटाफट, जब आपको 4 बर्नर जलाने हैं है ना, 2 चूल्हे बनाने हैं। अच्छा, और ये आपने इसको इससे जोड़ दिया है ना, ये आपको इस पाइप से जुड़ गया। ये जो गोबर गैस का जो प्लांट आपने लगाया है इसमें, ये पूरा प्रोसेस में समझ गया हूँ। अब इसका जो गोबर बचता है उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं आप? जैसे इसमें हो जाता है जो हमारा पुराना जो जिसमें गैस बन चुकी है तो वो हम ये पाइप के जरिए इधर हमने ये बनाए हुए हैं पिट टाइप के, तो इसमें हो जाता है और यहाँ ये डिकम्पोज होता रहता है और इसकी खाद काफी अच्छी होती है। अच्छा, ग्रोथ काफी उसकी। हाँ जी, तो और फिर हम इसको खेतों में अपने तो आपके पास तो अपने खेतों को है ना जो बायो कम्पोस्ट है उसको पहुंचाने के तो बहुत सारे साधन हो गए। हाँ जी, कौन कौन से हैं जरा मुझे बताइएगा। देखो, हम ये अपना पोल्ट्री फार्म की जो मुर्गियों की बीट आती है वो भी हम यूज करते हैं। हाँ, और जो ये हमारा काउ डंग वगैरह है हाँ, वो तो हम वैसे भी यूज करते हैं। हाँ, और ये गोबर गैस से जो हमारे ये कलेक्ट हो रहे हैं इसको भी हम यूज करते हैं। और वाटर के लिए हमारे पास फिशरी का है, फिशरी का वाटर है। तो 3-4 सोर्स हैं आपके पास बायो कम्पोस्ट अपनी खेती को देने के लिए। तो आपको लगता है कि आपकी एग्रीकल्चर औरों की एग्रीकल्चर से कुछ ज्यादा प्रोडक्टिव है? हाँ, लगता है क्योंकि हम अब इतना एफर्ट्स कर रहे हैं और इतनी चीजें कर रहे हैं। आपने अभी अपनी जो एग्रीकल्चर है उसमें क्या क्या बो रखा है? जी, हमने अभी लगा रखे हैं यहाँ पे सरसों लगा रखे हैं, गन्ने लगा रखे हैं और धान वगैरह लगाए थे, धान वगैरह हो चुके हैं अभी तो फल वगैरह के कुछ पौधे वगैरह कुछ ऐसा लगाया हुआ है? वगैरह के लिए तो ये आम, लीची, अमरूद, पपीते, केले। कहाँ पर है? पपीते तो इधर को ही है, चारों तरफ लगे हुए हैं। लीची आम यहीं पे हैं और वो केले उधर लगाए हैं। मुझे दिखाना दोस्तों। हाँ जी, बिल्कुल। ये मतलब क्यारियां लगाई हैं आपने ना? हाँ, ये छोटे वैसी चीजें के लिए ना, जैसे राई वगैरह लगा रही, मिर्ची, अदरक, आलू, प्याज। ये आपने अदरक लगाया है? ये जो आप बता रहे थे, ये जो मछली पालन का जो वो पानी है उसी से हो रहा है? हाँ जी, वो यूज करते हैं। हाँ जी, ये हमने इधर पे यहाँ पे अदरक लगाए हुए हैं, उधर हमारे राई, मिर्च, करेले वगैरह हैं,
और इधर पीछे हमारे आलू प्याज लहसुन वगैरह लगाए हुए। तो ये तो घर पे इस्तेमाल हो जाता होगा? हाँ जी, ये घर के लिए मकसद से लगाए हुए हैं, तो छोटे छोटे क्यारियां बना के लगाए। सब्जियां बाजार से खरीदते हैं? सब्जियां हाँ, थोड़ी बहुत खरीदते हैं। तो इसके लिए जो आपको खाद वगैरह कहाँ से इस्तेमाल करते हैं? खाद वगैरह तो हम यही जो अपनी गोबर गैस से जो हमारी निकलती है डीकम्पोज्ड वाली, वो वाली इसमें करते हैं। मुर्गियों की बीट भी थोड़ी बहुत यूज करते हैं, और फिशरी का पानी हमारा आता ही है, तो वो भी हम इसमें यूज करते हैं, तो अच्छा होता है। थोड़ा सा ये केले के पेड़ भी लगाए हैं अपने तो? हाँ जी, ये केले भी लगाए हुए हैं। थोड़ा सा बाकी फार्मिंग किस तरीके करते हैं आप? जो सरसों बता रहे थे आप? हाँ जी, ये आगे हमने ये सरसों ही लगाई है। ये सब आपके पास ही है? ये आगे पूरे सरसों का लगा हुआ है। तो ये आपके सरसों के खेत है? हाँ जी। तो अच्छा लगता है खेतों को देखते हुए? पूरे येलो हो जाते हैं इस टाइम पे, तो सब भी सरसों ही लगाते हैं। पूरा येलो हुआ रहता है इधर को, तो लगता है कि असली पसंद तो यही आया है। हाँ जी। अच्छा, इसके साथ एक चीज और, ये आंवला है पीछे? हाँ जी, ये आंवला है, और वो पीछे क्या है? वो कटहल। कटहल, कटहल भी होता है? हाँ जी। कटहल तो अच्छा लगता है आपको? हाँ जी, सब्जी तो अच्छी बनती है, कटहल की सब्जी बहुत अच्छी बनती है। अच्छा, आपको लगता है कि यहाँ पर एक चीज की कमी रह गई है? क्या कमी रह गई, कुछ समझ में आ रहा है? मधुमक्खी पालन? मधुमक्खी करते थे पहले। अच्छा, मधुमक्खी भी करते थे? हाँ जी, मतलब दो बॉक्स रखे हुए थे तो उसमें बनती रहती थी। हाँ। फिर वो एक टूट गया था, तो एक ही रखा होगा वो, अभी पता नहीं। तो क्योंकि नहीं। ये तो मधुमक्खी पालन का समय है शायद। हाँ, इस टाइम काफी होती थी, है ना जी। तो वो भी किया है आपने? हाँ जी, वो भी करते थे पहले। अच्छा, अभी और कुछ प्लान है? कुछ और प्लान दिमाग में आता है कभी कि हम अपनी इस जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग इसको और आगे बढ़ाएं? हाँ बिल्कुल। क्या प्लान होगा? मैं तो चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा ही और सिस्टमेटिक वे में बनाना चाहता हूँ। जैसे मैं देखता हूँ कि जैसे नानी जी और जैसे मुर्गी वगैरह करते हैं वेट वगैरह, तो मतलब तो काफी दिक्कत आती है उसमें, तो मैं कुछ सोच रहा हूँ इस बारे में कि कुछ करा जाए, कुछ सिस्टमेटिक वे पूरे पूरे जो ये प्लान है, जो पूरा जो सिस्टम है, इसको आप पूरा व्यवस्थित तरीके से लाना चाहते हैं, है ना? यही चाहते हैं आप? हाँ जी। और युवाओं को आप क्या कहना चाहते हो, अपने जैसे युवाओं को? मैं तो यही कहना चाहूंगा बस कि अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, हाँ, तो आपको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए, है ना? कोशिश करनी चाहिए। हाँ जी। और रिस्क तो होगा ही सब जगह। हाँ जी। है ना? और कोई रिस्क से डरना नहीं है। हाँ बिल्कुल, है जोखिमों से नहीं डरना है। हाँ। आगे बढ़ना है, ठीक है। हाँ जी। अभी हम बात कर रहे थे अमित भंडारी जी से। अमित जी ने हमें अभी इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में काफी जानकारी दी है। हमने अभी डेयरी फार्मिंग के माध्यम से विमला सजवान जी से सीखा है कि डेयरी फार्मिंग किस तरह की जाती है और डेयरी फार्मिंग के क्या क्या फायदे होते हैं, एक गाय को पालना कितना फायदेमंद होता है, एक गाय को पालना कितना शांतिपूर्वक जीवन को आगे बढ़ाने की बात होती है, ये सब उन्होंने हमें बताया है। अभी उन्होंने हमें बायो गैस प्लांट को भी दिखाया है। ये बहुत सारी जानकारियां हैं, एक परिवार इस तरह से अपनी आजीविका को आगे बढ़ा रहा है और वो जितनी भी आजीविका के जो उनके पास संसाधन है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये पूरी खेती को आगे बढ़ाने का एक रास्ता उन्होंने हमें बताया है। तो ये सब चीजें हैं और इन चीजों के साथ ही मैं धन्यवाद अदा करूंगा सजवान परिवार जी का और भंडारी परिवार जी का, जिन्होंने हमें इतनी सारी जानकारी दी है। तो अभी तक के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद। थैंक यू।